पिलोसी के ताइवान दौरे पर चीन की सबसे सख्त वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। ताइवान पर टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन चलाएंगे चाइना ने कहा है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वर टॉकिंग, टारगेटेड मिलिट्री अटैक। ये बड़ी खबर है, चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, नाउ दे आर टॉकिंग बिजनेस। अभी तक वो हवा हवाई बातें कर रहे थे, लेकिन अब उनकी धमकियों में टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं और धमकियों में टारगेट दिखाई दे रहेगा। मैं चाहूंगा इसके बगल में विजुअल दिखाएं, सिर्फ ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ मनीष को और मुझको ले। मनीष, क्या इनपुट है, बताइए जरा। देखिए, ताइवान के, माफ करिएगा, चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि चीन की आर्मी हाई अलर्ट पे है और अब हम कुछ टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, ये अब अगले कुछ घंटों में देखना होगा कि क्या आज की रात से ही चीन की तरफ से ताइवान के सटे इलाकों में कुछ ऐसा एक्शन होता है। याद करिए, व्हाइट हाउस में जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की तरफ से बयान दिया गया था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि संभव है कि चीन मिसाइल छोड़े। अच्छा, एक बार मैं फिर से ये खबर बताना चाहूंगा और मैं चाहूंगा सिर्फ इस ब्रेकिंग को दिखाएं, नॉट टू बट ओनली वन। ये बड़ी खबर है, ताइवान दौरे पर चीन की सबसे सख्त वार्निंग। विजुअल्स के साथ पेलोसी के ताइवान पर टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन चलाएंगे, चीन ने यह कहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान है। ये सिर्फ ब्रेकिंग और इस ब्रेकिंग खाली यही ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ। मनीष, बैक टू यू, प्लीज गो अहेड। यहां बिल्कुल निशान, देखिए, तीन अहम बातें चीन के रक्षा मंत्रालय ने अभी अपने बयान में कहा है। अहम बात यह है कि यह रक्षा मंत्रालय का बयान है, यह विदेश मंत्रालय का बयान नहीं है, इसलिए कोई डिप्लोमेसी, कोई बातचीत नहीं। बल्कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम हाई अलर्ट पे हैं, हम टारगेटेड मिलिट्री एक्शन करने जा रहे हैं और हम अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। Okay. सीधे सीधे धमकी है कि हम अब एक्शन लेने जा रहे हैं। Okay. क्या आई एम श्योर कि वो पेलोसी के जाने तक का वेट करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि अगर वो होगा पेलोसी के दरमियान होगा तो अमेरिका उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह संज्ञा दे सकता है। लेकिन जनरल सोय मेरे साथ हैं। सर, वेरी शार्प रिएक्शन, अभी के जो हालात हैं, टारगेटेड अटैक की धमकी दे रहे हैं। व्हाट इफ अगर कल उन्होंने, जैसे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, पेलोसी के जाने के बाद उन्होंने ताइवान पर अटैक कराया, तो ये क्या करेंगे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल एक देना चाहूंगा। कल चाइना का एक ड्रोन, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर का ज्यादातर काम करता है, वो अनडिटेक्टेड ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट करके निकल जाता है। यूरेशियन टाइम्स ने इसको कैटेगोरिकली रिपोर्ट किया। क्या कर पाएगा ताइवान? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि आप देखिए, हर रोज चाइना का रुख सख्त से सख्त होता जा रहा है और ये जो अभी लेटेस्ट बयान आया है कि टारगेटेड हमला करेंगे, टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, ये वाकई में एक बयान ऐसा है कि जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सर, चाइना के पास वो मिसाइल्स हैं कि वो ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट करके कहीं पे भी टारगेट कर सकते हैं, am I right? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो अमेरिका की डिप्लॉयमेंट वहां पर है, नॉट नाउ, लेटर, कल परसों नरसों कभी भी नहीं, बिल्कुल चाइना वेट कर सकता है, समय ले सकता है, क्योंकि चाइना ने बोला कि अगले एक दशक तक हम इसको भुगतना पड़ेगा। तो चाइना इसका जो शुरू से उद्देश्य रहा है कि ताइवान को अपने आप मिलाना है, तो और आप ठीक कह रहे हैं, और इसमें तीन पॉइंट ऑफ अर्जेंसीज हैं। इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप इसको समझें, इस खबर को। पहला, पेलोसी का दौरा, जो कि शी जिनपिंग के लिए नाक का सवाल होना चाहिए, और ये उनके लिए ही इज बीन लेट डाउन, क्योंकि उन्होंने बाइडेन को कैटेगोरिकली ये बोला था, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। दूसरा, आप चाइना में कांग्रेस होने वाली है, जिसमें उनकी जो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है शी जिनपिंग के भविष्य को लेकर। तीसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हांगकांग इज बैक इन देयर पॉकेट, हांगकांग उनकी पॉकेट में है, ये सब जानते हैं। और एक और फैक्टर जो एक जिसको कहा जाए इन द विंग्स, एक फैक्टर हमारे सामने है, वो ये है कि चाइना इस सिचुएशन को लेकर बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। इट इज नॉट दैट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड लाइक रशिया, उनकी तैयारी चल रही है, और इस तैयारी का इलैबोरेशन इन छह तस्वीरों में मुझे आशीष बताने वाले हैं। ये सीधे छह तस्वीरें दिखाइए, चाइना की तैयारी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आशीष, ओवर टू यू, जरा समझाएं हमें। ये छह तस्वीरें एक कहानी बयां करती है, किस तरह से बीच पर टैंक्स डिप्लॉय किए गए हैं, सड़कों पर भी टैंक्स डिप्लॉयड है, रेलवे स्टेशन पर मूवमेंट हो रही है, और इसके अलावा लाइव फायर वॉर ड्रिल हो रही है, और पोर्ट्स पर भी आपको चाइनीज जो आर्मी है, पीएलए और आर्मी का मूवमेंट ऑन रोड। ये सारी तस्वीरें केवल एक चीजें बयां कर रही है, वो केवल एक चीज ये है कि वो पूरी तरह से तैयार है और तैनात है, और वो ये बात पूरे विश्व को, विशेष तौर पर अमेरिका को कन्वे करना चाहते हैं। अक्सर हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि हम
बहुत ज्यादा हाइपरबोल में जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो इसका हेडर है उसको डिफाइन कर रही है आशीष। पीएलए तैयार, ऑर्डर का इंतजार, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ऑर्डर की तरफ इशारा भी आ गया है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ये स्टेटमेंट कर्नल कुबयान का ये स्टेटमेंट बहुत साफ है, उन्होंने ये कहा है कि अब हम सीरीज ऑफ टारगेटेड अटैक्स करेंगे और मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे। इसका मतलब साफ है कि चाहे नैंसी, अब ये बात केवल यही रह गई निशा कि क्या वो नैंसी पेलोसी के वहां रहते हुए इस तरह का कोई एक्शन करेंगे, विच आई वुड कॉल ए मोर ऑफ अ रिएक्शन, या फिर उनके जाने के बाद में इस तरह का सीरीज वो शुरू करेंगे। स्टेटमेंट दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, करना तो अब उन्हें पड़ेगा। और मैं शुरू से कह रहा हूं निशान, नहीं कुछ करना चीन के पास अब ऑप्शन नहीं है। एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ी लाइन है, कुछ नहीं करना इज नॉट एन ऑप्शन, उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा।